गुड मॉर्निंग क्लास एट बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर फोर ऑफ योर ग्रामर बुक. टॉपिक इज द नाउन. नाउन इज अ वेल नोन टॉपिक बेटा, अच्छी तरह आप जानते हो व्हाट इज नाउन. आप कह सकते हो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग अ पर्सन और अ थिंग. ठीक, और भी आप डेफिनेशन इसकी जान रहे हो. नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एक्शन. ठीक है बेटा, तमाम डेफिनेशन है आपकी बुक की, भी डेफिनेशन दी हुई है. अ नाउन इज अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग अ पर्सन और अ थिंग, इसको भी कर सकते हो. या कंक्लूजन क्या है, किसी भी चीज का नाम जो है वो नाउन है. पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, एनिमल का नेम हो, किसी एक्शन का नेम हो, किसी फीलिंग का नेम हो, नेम वर्ड जहां पे भी नाम देने वाली बात आई, इसका मतलब कि वो नाउन है, वो वर्ड नाउन है. अब दिया इन्होंने लाइब्रेरियन, मॉल, हेमा, अमेरिका, चाइल्ड, ये सब नाउन है. वैसे तो काइंड ऑफ नाउन अभी तक आपको फाइव पढ़ाया गया है बेटा, उन्होंने फोर ही का नाम दिया है. फोर काइंड्स की बात की है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसके अलावा ये मैटीरियल नाउन की चर्चा की जाती है. ठीक है, ये फिफ्थ है मैटीरियल नाउन. अ प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. देखिए प्रॉपर और कॉमन मैं एक साथ आपको बताती हूँ. ठीक है, डेफिनेशन पिंक कलर में दी है, डेफिनेशन आप लर्न करिएगा, लेकिन पहले समझ तो लीजिए. समझे हुए भी हैं रिकॉल कर लीजिए. देखिए जैसे आप वाराणसी में रहते हो, ओके, यू लिव इन वाराणसी, तो वाराणसी वर्ड हमने बोला, और मान लो कि हम ये कह रहे हैं जैसे कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, तो एक व्यक्ति ने मुझसे बोला आई लिव इन अ सिटी, मैं एक शहर में रहता हूं, और एक ने बोला मुझसे कि आई लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में रहता हूं, तो फिर सिटी और वाराणसी दोनों में डिफरेंस हुआ ना. क्या डिफरेंस? सिटी तो कोई भी सिटी हो सकती है. यदि किसी ने आपसे कहा कि आई लिव इन अ सिटी, मैं एक शहर में रहता हूँ, तो वो शहर लखनऊ भी हो सकता है, प्रयागराज भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, कोलकाता भी हो सकता है, वाराणसी भी हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकती है. लेकिन यदि किसी ने कहा है कि आई लिव इन वाराणसी, दैट मीन्स उसने एक पर्टिकुलर सिटी का नेम आपको बताया. तो केवल सिटी नेम बोलते हैं जो कोई भी सिटी हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है. और जब पार्टिकुलर एक सिटी का नेम हम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन. ठीक है, इसे बेटा हम लोग क्लास लेते हैं, तमाम स्टूडेंट्स सामने बैठे हुए हैं, यदि मैंने कोई बात कही, स्टूडेंट्स लिसन टू मी कहते हैं ना हम लोग, तो स्टूडेंट्स कोई भी स्टूडेंट हो सकता है. स्टूडेंट वर्ड इज कॉमन नाउन. लेकिन मान लो मैं किसी का नाम ले ली, मैंने कहा अपूर्वा लिसन टू मी, तो यानी मैंने पर्टिकुलर अपूर्वा के लिए बात कही है, तो अपूर्वा जो है वो प्रॉपर नाउन. स्टूडेंट्स कॉमन नाउन, अपूर्वा प्रॉपर नाउन. स्कूल की बात करते हैं, केवल स्कूल कहते हैं तो कोई भी स्कूल हो सकता है, सेंट जॉन, सेंट मैरीज, डायनेमिक पब्लिक स्कूल, सेंट जोसेफ, कोई भी स्कूल हो सकता है. लेकिन यदि मैं कहूँ डायनेमिक पब्लिक स्कूल, तो यानी मैं पार्टिकुलर एक स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए डायनेमिक पब्लिक स्कूल प्रॉपर नाउन हुआ और स्कूल कॉमन नाउन हुआ. ठीक है, अब मैटीरियल नाउन क्या है? मैटीरियल नाउन किसी भी मैटर का नाम जिससे कि कुछ बन सके, जैसे आयरन, गोल्ड, वुड, कॉटन, स्टील. अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा? देखिए किसी भी चीज की क्वालिटी, स्टेट या एक्शन, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है. ध्यान दीजिएगा, बुक में भी मैं दिखा रही हूं.
ठीक है। अब सिट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको आप केवल फील कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते, उसको उठा के किसी को दे नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये ईमानदारी ले लो, नहीं, ये फील करने वाली चीज है बेटा, ठीक है ना। तो ऑनेस्टी हुआ, ट्रुथफुलनेस हुआ, चाइल्डहुड हुआ, पावर्टी हुआ, ये सब फीलिंग वाली बात होती है, इसलिए ये अपसेट नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होता है कि हम बोलेंगे वन वर्ड, लेकिन वो वर्ड किसी चीज के कलेक्शन को बताएगा, कलेक्शन को। जैसे उनका पीपल, पीपल क्या है, कई लोग का कलेक्शन है, कई पर्सन का कलेक्शन है, लोग। क्राउड, क्राउड क्या है, भीड़। देखिए पीपल मीन्स भी लोग होता है, ठीक है, मैंने लिया है कलेक्टिवनेस को। क्राउड भीड़, भीड़ भी सिंगल पर्सन से नहीं होगी, ठीक है, भीड़ जो है वो सिंगल पर्सन से नहीं होगी, कई लोग इकट्ठा होंगे, कई लोगों के ग्रुप को क्राउड कहा जाएगा, कई लोगों के ग्रुप को क्राउड कहेंगे हम लोग। सेना है बेटा, आर्मी, आर्मी कोई अकेला बंदा आर्मी नहीं बना सकता, कई सोल्जर्स मिलके आर्मी बनाते हैं। तो हमने बोला तो वन वर्ड आर्मी, लेकिन आर्मी में तो बहुत से सोल्जर्स आ गए ना, इसलिए ऐसे वर्ड जो किसी चीज के कलेक्शन का बोध कराते हैं वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। मैंने कहा बुके, बुके मीन्स गुलदस्ता, गुलदस्ता सिंगल फ्लावर से नहीं बनेगा बेटा, कई फ्लावर्स मिलेंगे तब बुके बनेगा, तो बुके कलेक्टिव नाउन होंगे। इस तरह से वन वर्ड जो कि किसी कलेक्शन का बोध कराए ये कलेक्टिव नाउन होता है। अब देखिए यहां पर जो एक्सरसाइज है, समझ लीजिए क्या करना है, फिर समझ समझ के आप करिएगा उसको। पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन। आपको सेंटेंस रीडिंग करनी है, उसमें से नाउन आपको छांटना है और बताना है उसका काइंड, कि प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, कि मैटीरियल है, क्या है, ठीक है, कि कलेक्टिव है, क्या है। तो देखो, रॉबर्ट थॉट वेदर द फ्रीडम ऑफ स्कॉटलैंड वॉज वर्थ द ग्रेट प्राइज दैट ही वॉज पेइंग। रॉबर्ट नाम है किसी का, फ्रीडम ये भी किसी स्टेट का नाम ही है, किसी अवस्था का नाम है, स्कॉटलैंड भी किसी जगह का नाम है, तो हम पहले अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। अभी कैसे करना है ये मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, पहले समझिए केवल आप। रॉबर्ट पार्टिकुलर किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया, फ्रीडम फीलिंग वाली चीज है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। स्कॉटलैंड भी पार्टिकुलर किसी जगह का नाम है तो स्कॉटलैंड भी हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब आगे है, पीटर एंड जेन वर लिफ्टेड फ्रॉम द हॉर्सेज एंड सेट टुगेदर इन द शेड ऑफ अ ट्री। देखिए जो जो नेमिंग वर्ड है पहले सबको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब पीटर, जेन, ये पार्टिकुलर किसी का नेम है बेटा, तो प्रॉपर नाउन होना है उसको। हॉर्सेस, हॉर्स तो कॉमन नाउन हुआ, हॉर्स का कोई नाम तो दिया नहीं है, किसी खास घोड़े की बात होती उसका नाम दिया होता घोड़े का भी, जैसे चेतक था, नाम था दिया गया था किसी खास घोड़े को, तो वो तो है नहीं, हॉर्स की बात की गई है, कॉमन नाउन हो गया। ट्री, पेड़, कोई भी पेड़ हो सकता है, ठीक है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। एक आध एग्जाम्पल और देखिए, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहां सेवरल ईयर्स एगो। ताजमहल आप जानते हैं किसी खास इमारत का नाम है, शाहजहां किसी खास शहंशाह का नाम है, तो जब किसी पार्टिकुलर किसी का नाम होता है तो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है।
ठीक है बेटा, इसी तरह से ये आपको सॉल्व करना है, सोच के सॉल्व करना है। यदि पार्टिकुलर किसी पर्सन, किसी एनिमल, पार्टिकुलर किसी का नाम हो, किसी जैसे स्कूल, किसी पार्टिकुलर स्कूल का नाम हो, किसी पार्टिकुलर सिटी का नाम हो, तो वो सब हो जाता है प्रॉपर नाउन। एक जनरल ऐसा नाम ले लिया जिससे उसके पूरे क्लास की बात समझ में आए, कॉमन नाउन हो गया। यदि कोई ऐसी चीज है कि सिंगल वर्ड बोले लेकिन किसी चीज का कलेक्शन है वो, तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसी चीज का नाम ले जिससे कुछ बनता है तो वो मेटीरियल नाउन हो जाएगा। और क्या बचा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई ऐसी चीज है जो छू करके फील नहीं कर सकते, उसको केवल मन से महसूस कर सकते हो, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये आपको पहले मार्क करना है नाउन को, और फिर कौन सा नाउन है आपको बताना है। पहले खुद अपने मन से कोशिश करिएगा। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन जो मेहनत करेगा बेटा उसी को लाइफ में सक्सेस मिलेगी। नहीं, चीटिंग करना तो बहुत आसान काम है। और ये भी बात है कि पढ़ाई सबसे बुरा काम होता है दुनिया का, सबसे कष्टदायी, लेकिन यही फलदायी होता है बेटा। आज की मेहनत, आज आप मेहनत करेंगे भविष्य में सुख का जीवन जिएंगे। आज सुख का जीवन जिएंगे तो भविष्य में मेहनत करते करते ही जान चली जाएगी, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज, आप लोग जान रहे हो कि हम लोग भी लाचार हैं, आप लोग को बुला नहीं सकते, लेकिन हम लोग बेटा पूरी दिल से, पूरी मेहनत से आप लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग कोऑपरेट करो, बड़े बच्चे हो कोऑपरेट करो और सीखो, ठीक है बेटा। कोशिश पहले खुद से करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। अब आगे आओ कि क्या करना, मैं बता रही हूँ। ये तमाम कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, ये मैंने सॉल्व करने के चक्कर में यहाँ कटपिट किया है, कोई नहीं, मैं इरेज कर देती हूँ। ये तमाम कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं बेटा, और यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं। हमें जो प्रॉपर कलेक्टिव नाउन है वो हमको सुटेबल कलेक्टिव नाउन कहाँ क्या बैठेगा वो फिल करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आवर फुटबॉल के साथ क्या आएगा, टीम, जिसमें टीम है ये, ठीक है। इस तरह से है, ही यूज टू सिंग इन चर्च क्वायर, जैसे चर्च में एक साथ मिलकर लोग नहीं सिंगिंग करते हैं तो वो क्वायर है, जो सिंगर्स का कलेक्शन होगा क्वायर है। द डैश ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक मीन्स क्या, झुंड, पक्षियों का झुंड, तो बर्ड्स के लिए फ्लॉक वर्ड आएगा। गीज के झुंड के लिए गैगल वर्ड आएगा, ठीक है। पीकॉक्स के झुंड के लिए मस्टर वर्ड आएगा। जहाजों के कलेक्शन के लिए फ्लीट वर्ड आता है। आर्टिस्ट के कलेक्शन के लिए ट्रूप वर्ड आता है। ड्रॉर्स के कलेक्शन के लिए चेस्ट, ड्रॉर, दराज जिसको नहीं कहते हो वही ड्रॉर। बीज के कलेक्शन के लिए स्वार्म वर्ड आता है बेटा। इस तरह से किसके लिए क्या आता है वो सुटेबल भरना है आपको, ठीक है। आपको बहुत सारा नॉलेज नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन जाएगा और आप उसको फिर लर्न कर लीजिएगा। नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन कर लीजिएगा, उसकी पूरी फैसिलिटी आपको दी जा रही है। अब आ गया ये इसमें क्या करना है, एक्सरसाइज थ्री में। एक्सरसाइज थ्री में बेटा ऐसा करना है आपको कि सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आगे वर्ड देखिए दिया हुआ, देख रहे हैं। अब वो आगे वाला वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, ठीक है, कोई और नाउन भी हो सकता है, लेकिन सबको कन्वर्ट करना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख लो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो वर्ड दिया गया है ब्रैकेट में, उसकी हेल्प से अब्स्ट्रैक्ट नाउन तुम्हें बनाना है बेटा, ठीक है। और इसमें फिल करना है, जैसे ट्रू से ट्रूथ बन जाएगा, वैकेंट से वैकेंसी, लाफ से लाफ्टर, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, ठीक है, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, क्लेवर से क्लेवरनेस, फ्री से फ्रीडम, स्ट्रांग से स्ट्रेंथ, क्लीन से क्लीनलीनेस, जस्ट से जस्टिस, ठीक है। इस तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के फिल करना। आगे का टॉपिक देखिए,
काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सो सिंपल, आप जानते हो बेटा, जिन जिस नाउन को हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन है, जिसको नहीं काउंट कर सके वो अनकाउंटेबल है. द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. और फॉर एग्जाम्पल जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं होता, फीलिंग होती है. मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते, घास है, चीनी है, गेहूं है, अब थोड़ा बहुत तो कर लोगे. अब मान लो एक बोरे का गेहूं रख दें तो कितने दिन में काउंट करोगे बेटा? चीनी का एक बोरा रख दें तो कितने दिन में उसका तुम पार्टिकल काउंट करोगे? इसीलिए इन चीजों को अनकाउंटेबल कहा जाता है. थोड़ा बहुत तो काउंट कर ही लोगे. चावल का बोरा ला कर रख दें तो कितना काउंट कर पाओगे? ठीक है, एक मुट्ठी ला के दे देंगे तो कर लोगे, लेकिन एक बोरा तो नहीं ना कर पाओगे. इसलिए अनकाउंटेबल की कैटेगरी में सब आता है. लिक्विड्स है, इंक है, मिल्क है, वाटर है. अब एक पानी दो पानी नहीं ना बोलते हो तो काउंट नहीं कर पाओगे. गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब नहीं काउंट कर सकते तुम. हीट, कोल्ड, सनलाइट जो नेचुरल फिनोमिनन है, ये सब काउंट नहीं हो पाएगा. ठीक है, फिर जो जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिंगल सब्जेक्ट है, इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं तो काउंट क्या करोगे भाई? जिसका प्लूरल बनेगा उसको ना काउंट करोगे. लैंग्वेजेस हैं, अनकाउंटेबल इसलिए है क्योंकि अपने आप में अकेला है लैंग्वेज, क्या काउंट करोगे तुम? इसके अलावा रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, डीरन्स हैं, अनकाउंटेबल है, नहीं कर सकते काउंट आप इसको. ठीक है, अब एक्सरसाइज में देखिए क्या दिया है. अंडरलाइंड ऑलरेडी किया हुआ है, अब उसको आपको बताना है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है. सो सिंपल बेटा, जैसे है स्वीटनेस, मिठास. अब बताओ मिठास कोई क्या काउंट करेगा? तो अनकाउंटेबल ही रहेगा ना. आशा भोसलेज वॉइस, आवाज, आवाज को कोई क्या काउंट करेगा? अनकाउंटेबल रहेगा. कंसर्ट, कंसर्ट मीन्स म्यूजिक, अनकाउंटेबल होगा. वाटर, पानी गिन पाओगे? एक पानी दो पानी नहीं ना. प्लांट्स गिन सकते हो, एनिमल्स भी काउंट कर सकते हो, बैक पेन भी काउंट कर सकते हो, लेकिन हेयर काउंट नहीं कर सकते. हेयर अनकाउंटेबल में आता है, ध्यान दीजिए. इसीलिए हेयर का प्लूरल हेयर्स नहीं बनाया जाता. ठीक है, तो अब देखिए सूटकेस और ट्रॉली को तो आप काउंट कर लेंगे, लेकिन लगेज नहीं, लगेज काउंटेबल में नहीं आता. ठीक है, कंपेनियन भी कर लेंगे, गिफ्ट भी मान लीजिए काउंट कर लेंगे, लेकिन एयर वाटर तो नहीं ना कर पाएंगे. तो इस तरह से बेटा आप मन में खुद सोचिएगा क्या मैं काउंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और क्या काउंट नहीं हो सकता. ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं. अब यहाँ पे सर्कल द नाउन्स एंड से वेदर दे आर काउंटेबल और इनकाउंटेबल. नाउन को सर्कल करिए, काउंटेबल है तो सी लिख दीजिए, अनकाउंटेबल है तो यू लिख दीजिए. ऐसे भी कर सकते हैं, या सेंटेंस कॉपी करने के बाद आप वैसे भी कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं. देखिएगा, सॉल्यूशन भेजूंगी मैं. अब इसने बेटा ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए दिया है क्या यूज करते हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऑल, एनी, लिटिल, मच, लॉट, टू, सम, किसमें क्या सूटेबल होगा, ये सब मैंने कर दिया है. बार बार रीडिंग करिएगा इसको और तैयार करिएगा. ओके बेटा, थैंक यू. कॉपी में जरूर करिएगा इसको, ये होमवर्क है, ये सारा वर्क कॉपी में आना चाहिए. कॉपी मंगाई जाएगी, कॉपी कंप्लीट नहीं होगी तो यू विल गेट पनिशमेंट.